शरीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का शुरू से ही दलित मुस्लिम गठजोड़ सियासी फॉर्मूला रहा है। इतना ही नहीं, वो तो नारा भी देते हैं जय भीम जय मीम। उनके इसी नारे से आप समझ सकते हैं कि उनके सियासत का आधार क्या है। वो जहां भी चुनाव लड़ने जाते हैं इसी फॉर्मूले पर चुनाव लड़ते हैं। यहां तक कि बिहार में भी ओवैसी ने अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है, तो उनके टारगेट पर यहां भी दलित मुस्लिम गठजोड़ ही है, इसलिए उन्होंने बिहार में बहुजन समाज पार्टी से भी हाथ मिला लिया है। यूपी के 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती की पार्टी बिहार में भी चुनाव लड़ रही है। खुद को दलित की बेटी बताने वाली मायावती ने बिहार में ओवैसी से हाथ मिला लिया, एक तरफ दलित पार्टी को ओवैसी ने अपने साथ ले लिया, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए तो उनका नाम ही काफी है। माया और ओवैसी की पार्टी का एक गठजोड़ गुरुवार को बिहार में नए फ्रंट के तौर पर सामने आया। इन दो दलों के अलावा एनडीए के सहयोगी रह चुके उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी समेत 6 पार्टियां इस फ्रंट में शामिल हैं। इन 6 दलों के फ्रंट को ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट कहा जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी के एनडीए और आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन के बीच भले मुख्य मुकाबला होने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन इसे चुनौती देने के लिए जाति गणित के हिसाब से चुनाव में कुशवाहा मायावती ओवैसी की जोड़ी नए सियासी फॉर्मूले के साथ मैदान में उतरी है, जो एनडीए और महागठबंधन दोनों का सियासी खेल बिगाड़ सकती है। बिहार में 16% मुस्लिम है और 16% ही दलित मतदाता है, जबकि कुशवाहा की कुल आबादी 5-6% है। इस हिसाब से देखें तो कुल वोट करीब 37-38% बन रहा है। ऐसे में तीनों दल अगर इन वोटों को अपने फ्रंट के पक्ष में करने में सफल हो जाएं, तो विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इससे सबसे ज्यादा नुकसान लालू की आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम इस गठबंधन का बेस वोट बैंक माने जाते हैं। अब देखना यह है कि माया ओवैसी का गठबंधन आरजेडी और एनडीए को कितनी टक्कर दे पाता है, ये दोनों नेता दलित मुस्लिम वोट एकजुट करने में कामयाब होते हैं या नहीं।